वेट 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 यार, क्या कर रहे हो अभी भी? डेजर्ट ईगल या फिर M-ATT 770 हेडशॉट लगा रहे हो क्या? अरे रे रे, गलत बात है भाई, गलत बात है। आजकल के प्रो बंदे ना डेजर्ट ईगल M-ATT 770 नहीं चलाते, आजकल के प्रो बंदे वुड पिकर 770 हेडशॉट लगाते। अच्छा एक सेकेंड, लगाते हो कि नहीं ये बता दो पहले। नहीं। करेली बेइज्जती पड़ गई ठंड। खैर छोड़ो, नोक झोंक तो चलती रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वुड पिकर 1-day वर्सोट लगाने के लिए ऐसी एडवांस लेवल की 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आपके 1-day वर्सोट ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लगने वाले हैं, ठीक है? और उसके लिए आपको बस वीडियो को पूरा देख लेना है। और हाँ गाइस यार, एक और चीज, बॉडी शॉट वाले प्लेयर्स ना अभी भी वक्त थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि यार जमाना आगे बढ़ रहा है, फ्री फायर का दौर बदल रहा है, 1-day वर्सोट वाले प्लेयर्स को ही पीरो प्लेयर्स का दर्जा मिल जाए, तो यार आपको भी 1-day वर्सोट लगाने चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्रेंड पहले आपको कॉल करके कस्टम के लिए बुलाए, उसके बाद कुछ इस प्रकार का रिएक्शन दे, यार क्या बंदा बुला दिया, ये तो बॉडी बॉडी मारता है, हट अगली बार से मत बुलाना, गजब बेइज्जती है। लेकिन भाइयों, मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप किसी भी बंदों को कॉल करके कुछ इस प्रकार से कस्टम के लिए चैलेंज दे सकते हो। मैं कहूं, अगर हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे, रख तेरी माँ का नाका मामा। तो गाइस, अगर आप नहीं चाहते कि आपके टीममेट्स आपको नूब कह के बुलाए, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक न्यू और धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट ईगल एंड वुड पिकर। जी गाइस, ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार हमें समझना चाहिए कि डेजर्ट ईगल और वुड पिकर में ऐसा तो क्या ही फर्क है जिसकी वजह से हम वुड पिकर से ज्यादा आसानी से 1-day वर्सोट लगा सकते। जी हाँ गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वुड पिकर से आप ज्यादा आसानी से 1-day वर्सोट लगा सकते हो कंपेयर टू डेजर्ट ईगल, बस आपको थोड़ी बहुत लॉजिक्स पता होने चाहिए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, वुड पिकर के पास ना 2 एडवांटेजेस है जिसकी वजह से वुड पिकर से आसानी से 1-day वर्सोट लग जाता है, ठीक है? तो गाइस पहला एडवांटेज ये है कि जो वुड पिकर का नेचुरल रेट ऑफ फायर है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम है। आपने भी नोटिस किया होगा कि यार वुड पिकर में से गोलियां बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे से निकलती है, ठीक है, कंपेयर टू डेजर्ट ईगल। तो यही एक एडवांटेज है जिसकी वजह से आप फायर बेडों को अगर हल्का सा भी ट्रैक करते हो ना, तो भाई उसको चट्टा के जैसा 1-day वर्सोट चिपक जाता है, ठीक है? और गाइस दूसरा एडवांटेज ये कि यार वुड पिकर का रिकॉइल ना बहुत ही कम है, ठीक है, कंपेयर टू डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल बहुत ही ज्यादा रिकॉइल कर जाती है, और उसकी वजह से आपके कभी कभार 1-day वर्सोट नहीं लग पाते, लेकिन वुड पिकर में ये चीज नहीं होगी, क्योंकि यार आप भी यहां पर देख सकते हो वुड पिकर की सारी गोली एकदम सीधी जा रही है, कहीं पर भी आड़ी टेढ़ी नहीं हो रही, और जो एम है ना वो भी बड़ा नहीं हो रहा, यानी कि वुड पिकर का रिकॉइल बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है? तो गाइस यही 2 एडवांटेजेस है जिसकी वजह से वुड पिकर से 1-day वर्सोट लगाना आसान रहता है कंपेयर टू डेजर्ट ईगल, ठीक है? तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि सेट योर एम। तो देखो मेरे भाइयों, वुड पिकर से 1-day वर्सोट लगाने के लिए आपको एम किधर सेट करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, और वो ये कि आपको एम सेट करने के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जी गाइस, अगर आप एम के पीछे ज्यादा टाइम लगाओगे तो भाई सब सामने वाला बंदा आपको वैसे फिनिश करके निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको एम को सेट करने के पीछे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अभी मैं आपको बता देता हूं आपको एम आखिर किधर सेट करना है, ठीक है? तो गाइस अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा क्लोज रेंज या फिर मिड रेंज के अंदर है, और आपके हाथ में वुड पिकर है, और आपको वुड पिकर से 1-day वर्सोट लगाने, तो आपको एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। जी अगर इसे एनिमी की बॉडी से थोड़ा सा दूर और लेफ्ट साइड की ओर सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड आपको एम को रखना है, ठीक है? और अगर बंदा लॉन्ग रेंज में है तब आपको एम को ना थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है? लेफ्ट राइट आप रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नीचे रखना है लॉन्ग रेंज के अंदर। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टिप की, जो कि ड्रैग अकॉर्डिंग डिस्टेंस। तो गाइस यहां पर हमने एम तो सेट कर दिया था, अभी बारी आ जाती है फायर ब्रिंग को ड्रैग देने की। तो यहाँ पर फायर ब्रिंग को ड्रैग देने के सबसे बेस्ट 2 तरीके, पहला तरीका है रोटेशन ड्रैग, जो कि आपको ज्यादातर पता ही होगा, दूसरा तरीका है स्ट्रेट ड्रैग। स्ट्रेट ड्रैग में कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आपको फायर ब्रिंग को एनिमी के हेड के तरफ सीधा ही खींच के लेके जाना, ठीक है? और रोटेशन ड्रैग में आपको थोड़ा सा घुमाव देके खींच के लेके जाना होता है एनिमी के हेड के तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी बंदा लॉन्ग रेंज के अंदर है, यानी कि बंदा बहुत ही ज्यादा दूर होता है, तब उस टाइम पे आपको स्ट्रेट ड्रैग टेक्निक को यूज करना है, यानी कि आपको नॉर्मली एनिमी के हेड के तरफ सीधा ही फायर ब्रिंग को खींच के लेके जाना है, ठीक है? और मुझे पता है अभी आप क्या पूछने वाले हो, यार फायर ब्रिंग को ड्रैग देने की स्पीड आखिर कितनी रखनी चाहिए? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यार कछुए से स्पीड रखनी पड़ेगी आपको, लिटरली बहुत ही ज्यादा धीरे से फायर ब्रिंग को ड्रैग करना पड़ेगा, बहुत ही हल्के से, बहुत ही प्यार से आपको फायर ब्रिंग को ड्रैग देना पड़ेगा, तभी जाकर एनिमी को 1-day वर्सोट चिपक पाएगा, वरना सारी की सारी गोली एनिमी के हेड के ऊपर से निकल जाएगी। तो ऐसे अभी बात कर लेते हैं क्लोज रेंज और मिड रेंज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्लोज रेंज और मिड रेंज के अंदर आपको ना फायर ब्रिंग को कुछ ज्यादा ही तेजी से रोटेशन ड्रैग देना पड़ेगा। जी अगर आपने सही सुना, रोटेशन ड्रैग आपको देना है क्लोज रेंज और मिड रेंज के अंदर, और भाई सब लिटरली बता रहा हूँ, कुछ
ज्यादा ही तेजी से एनिमी के हेड की तरफ आपको रोटेशन ब्रेक देना पड़ेगा, तभी जाके एनिमी को वन टैप से चिपक पाएगा। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो कि गो फॉर वन टैप। जी हां गाइस, ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार बहुत से बंदों की फटती है यार वन टैप शॉट लगाने के लिए। मेरे को ये नहीं पता चला यार वन टैप शॉट लगाने से डरना क्यों, यार वन टैप शॉट ऐसी चीज है जिससे एक ही गोली में बंदा खत्म हो सकता है। तो गाइस आखिर क्यों डरा जाए वन टैप शॉट लगाने के लिए, आपको एटलीस्ट हर एक मैच के अंदर वन टैप शॉट लगाने का ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि यार आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके वन टैप शॉट लग पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोनस टिप दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपकी ज्यादातर शॉट्स बॉडी शॉट लग रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको समझ जाना है कि आप फायर ब्रेडों को कुछ ज्यादा धीरे से ड्रैग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके वन टैप शॉट नहीं लग पा रहे। ठीक है, तो अगली बार ये चीज आपको नहीं करनी है। तो कैसे अगर मान लीजिए इसका उल्टा, अगर आपके ज्यादातर शॉट्स एनिमी के हेड के ऊपर से निकल जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको समझ जाना है कि आप फायर ब्रेडों को जरूर से ज्यादा ही तेजी से ड्रैग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके वन टैप शॉट नहीं चिपक पा रहे। ठीक है, तो कैसे ऐसे ही वुड पिकर से वन टैप शॉट लगाने का ट्राई करते रहिए, अपनी गलतियों से सीखते जाइए। और भाई साहब मैं गारंटी के साथ बोलो, अगर आपने ये सारे टिप्स को सही से फॉलो कर दिया ना भाई साहब, बहुत ही गदर लेवल के वन टैप शॉट आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, तो गाइस यही था वीडियो, इस पर वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो से नई वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन रॉथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉथ।